नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल गोला चीवर्स में। आई एम शालिनी गोयल और आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक कहानी आपके साथ शेयर करने, जिसका शीर्षक है निर्दयी सास। ये कहानी एक सास और बहू की है। एक सास थी, स्वभाव की बहुत दुष्ट थी। उसकी बहू बहुत सुशील व नेक थी। सास ने उसका जीना हराम कर रखा था। वह उसकी हर बात पर दोष निकालती। भोर से आधी रात तक वे बहू से गुलामों की तरह काम करवाना एक मिनट के लिए सांस तक न लेने देती। बहू काम कर रही होती तो वह उसके जा खड़ी होती, लगातार ताने कसती रहती। वह खटते खटते यही सोच रही थी, जाने किन परे हुए यम स्त्र रूप ऐसी निर्दयी सास उसे मिली है। एक दिन बहू ने झाड़ू लगाना व बर्तन मांजना समाप्त ही किया था कि सास बोली, मैं मंदिर जा रही हूँ, तू आराम कर लेना, बैठ जाना, काम चोर कहीं की, मेरे आने तक खाना तैयार मिलना चाहिए, और हाँ खाना हिसाब से बनाना, फालतू नहीं, यहाँ तेरे बाप का माल नहीं है। सास चली गई। बहू तुरंत खाना बनाने बैठ गई। अगर सास को लौटने पर खाना तैयार न मिलता तो आसमान सर पर उठा लेती, बहू की सात पुश्तों को तक कोस डालती। वह खाना बनाकर निवृत्त ही हुई थी कि एक साधु आया और खाना मांगने लगा। बहू के मायके में कभी किसी साधु महात्मा को खिलाए पिलाए बिना नहीं लौटाया जाता था। उसने सोचा कि साधु को अपने हिस्से का खाना दे देती हूँ, मैं भूखी रह लूंगी और क्या। ऐसा विचार कर उसने सोचा और साधु को बिठाया और खाना परोसा। साधु ने खाना आरंभ ही किया कि सास लौट आई। साधु को खाना खाते देखकर आग बबूला हो गई और बोली, आहा, मैं इधर उधर हुई नहीं कि तूने भूखों को खाना खिलाकर अनाज बर्बाद करना शुरू कर दिया। हमारे घर में हराम का माल नहीं है। बहू ने विनती की, माँ जी ऐसा ना कहिए, साधु महाराज को मैं अपने हिस्से का खाना दे रही हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, कोई अनाज बर्बाद नहीं होगा। सास गर्जी, बड़ी आई हिस्से वाली। फिर वह साधु से बोली, भुक्कड़ भाग यहाँ से, कोई और लंगूर देख। साधु खाना छोड़कर चला गया। साधु के जाने के बाद सास ने बहू को घर से निकाल दिया। बेचारी बहू ने सास से बहुत विनती की, हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाई, पर दुष्टा सास का दिल नहीं पसीजा। उसने दरवाजा नहीं खोला। जब दरवाजा बहू थक कर वह एक और लड़कड़ाती हुई चल दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किधर जाए। उसे मायके पहुंचने में कई दिन लगने थे, लेकिन वह उसी रास्ते पर चल दी और क्या करती। तभी जोरों की वर्षा होने लगी। बहू वर्षा से भीगने से बचने के लिए एक बड़े वृक्ष के कोटर में उसकर बैठ गई। उस पेड़ पर दो राक्षसियां रहती थी। कुछ ही देर बाद वे वृक्ष पर लौटी। एक बोली, हर यहाँ तो बड़ी वर्षा हो रही है, हमें जुकाम ना हो जाए। दूसरी बोली, तो चल स्वर्णदीप चलते हैं, वहां धूप खिली होगी। उसने जादुई मंत्र पढ़ते ही वृक्ष हवा में उड़ने लगा। बहू ने वृक्ष को उड़ते देखा तो घबरा गई। ऊपर टहनियों पर राक्षसियों को बैठे देख तो उसकी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। उसने कोटर में दुबक कर बैठे रहने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ देर बाद पेड़ उन सबको लेकर स्वर्णदीप पहुंच गया। राक्षसियां तो सैर करने के लिए हवा में उड़ती हुई वृक्ष छोड़कर चली गईं। बहू ने कोटर से बाहर जाकर देखा तो दंग रह गई। सारा दीप सुनहरी जगमगाहट से चमक रहा था। वह बाहर निकल आई और उसने रेत उठाकर देखा। रेत सोने की थी। उसने अपने चल में जितनी सोने की रेत उठाई जा सकती थी भांदी और कोटर में बैठ गई। कुछ देर बाद राक्षसियां लौट आई और वे पेड़ को उड़ाकर वहीं ले गई जहां से वे चली थी। राक्षसियां को जाने के बाद बहू बाहर आई और अपने घर की ओर दौड़ी। उसे पूरा विश्वास था कि सोना देखकर सास लज्जा जाएगी और उसे दोबारा अपना लेगी। घर पहुंचकर उसने सास को सारी कहानी सुनाई और अपना आंचल खोलकर सोने की रेत दिखाई। सास ने हाथों में रेत लेकर रेत को देखा, फिर बहू को कोसने लगी।
अरे कामचोर, बस इतना सा सोना उठा कर लाई, जब मौका मिला ही था तो ढेर सारा ढोर ढोकर लाती। अकल तो अकल होता बना, बोझ उठाते तो नानी मरती है तेरी। फिर सास ने तीन चार बोरियां उठाई और बोली, मैं दिखाती हूँ तुझे कि सोना कैसे लाया जाता है, जरा मुझे बता वह पेड़ कहाँ है। बहू ने ले जाकर सास को वह पेड़ दिखा दिया। सास बोरियां लेकर वृक्ष के कोटर में बैठ गई। कुछ देर बाद राक्षसियां सैर करके अपने पेड़ पर लौटी। वह राक्षसी एक राक्षसी ने कहा, आज मछली खाने का बड़ा जी हो रहा है, चल मछली द्वीप चल दे। दूसरी राक्षसी ने मंत्र पढ़ा और पेड़ ओर चला। कुछ ही देर में पेड़ मछली द्वीप पहुंचा। मछली द्वीप में चारों ओर मछलियां युद्ध मछलियां थी। राक्षसियां तो मछलियां खाने द्वीप के दूसरे इनके दे चल दी। सास कोटर से बाहर आई। बाहर पैर रखते ही मछलियों पर से उसका पैर फिसला और वे चकरा गई। किसी तरह वे कोसती वापस कोटर में आ बैठी। कहां तो वे सोना बटोरने आई थी और कहां उसे खोटा सिक्का भी ना नसीब हुआ। राक्षसियों ने उड़कर आने की आवाज आई तो सास कोटर से सिर निकाल कर चिल्लाने लगी, अरे निकम्मी राक्षसियों, तुम यहाँ क्यों आई, अभी जल्दी से स्वर्णदीप चलो, मुझे सोना बटोरना है। सास की बात सुनकर राक्षसियां क्रोधित हो गईं। एक बोली, एक तो ये दुष्ट औरत हमारे पेड़ की सवारी करके हमें धोखा देकर यहाँ आई, दूसरे ऊपर से हमें भला बुरा कह रही है। दूसरी बोली, चलो अग्निदीप चलकर इसे सबक सिखाते हैं। उसके मंत्र पढ़ते ही पेड़ अग्निदीप की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वे एक ऐसे द्वीप के ऊपर उड़ने लगे जहाँ नीचे आग ही आग थी। राक्षसियों ने पेड़ को उल्टा सीधा करना शुरू किया ताकि सास नीचे गिर जाए। जब राक्षसियों ने पेड़ को बिल्कुल उल्टा कर दिया तो निर्दयी सास कोटर से नीचे आग की लपटों में चिल्लाती हुई जा गिरी। राक्षसियों ने अट्ठहास लगाया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों कि दुष्टों को उनकी दुष्टता की सजा कभी ना कभी मिल ही जाती है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कहानी आज की कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।